क्योंकि बर्थडे बॉय को केक के बारे में तो कुछ पता है नहीं, डर लग रहा है रास्ते में कि नहीं। तो मैं तब से दोनों को एक ही समझ रहा था। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी एक वो वाला क्लिप देख लो जब हम लोग मार्केट में थे, उसके बाद जो हमारा वीडियो शुरू हो जाएगा। तीन एसी खरीदा है, उसमें तीन एसी के चलते हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर क्या है वैसे? डिनर सेट। इसके अंदर कल से मैं खाना शुरू करने वाला हूँ। अरे यार, हम ये सोच रहे हैं वॉशिंग मशीन और टीवी नहीं लिया हमने, अगर वो लेते तो शायद। हाँ, अभी हम लोग कल भी आने वाले हैं, वो लेते तो तुमको घर मिल जाएगा। हम दोबारा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एकदम वेलकम है। धन्यवाद। तो सर आपके चलिए ठीक है, हम कॉल कर देते हैं आपको। ठीक। तो अभी मैंने केक वाले भैया को कॉल किया था। केक वाले भैया का दुकान जो मोंजेनेज है आरा में, वो ना बंद हो जाता है, लेकिन मैंने स्पेशली कॉल करके भैया को बोल दिया है कि अपना शॉप ओपन रखें। बात ये है कि आज हमारे स्टाफ का बर्थडे है। एक्चुअली जो हमारे कुक हैं वो खाना बनाते हैं जो हमारे घर, उनका आज बर्थडे है। मुझे अचानक से याद आया, हम लोग बाहर गए थे फिर भी हम लोग भूल गए, तो घर पे आने के बाद याद आया। तो अभी प्लान किया, मैंने केक वाले भैया को कॉल किया, वहाँ पे बोला कि अपना केक का जो शॉप है वो खुला रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी केक लाने के लिए, और 12 बजे रात को 17 अप्रैल को उनका बर्थडे है, तो 17 तारीख जैसे ही होगा, जैसे ही 12 बजे का, हम लोग कूदेंगे और सरप्राइज़ दे देंगे केक के साथ। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? 8:45 हो रहा है। वैसे दुकान का टेंशन तो नहीं है, बस रास्ते में जाने का टेंशन है, क्योंकि 17 किलोमीटर दूर जाना है केक लाने के लिए, और वो भी ख़राब स्कूटी पे। तो अभी निकल चुके हैं भाई यहाँ से, और डर लग रहा है रास्ते में क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और स्कूटी में ना मिरर भी ख़राब है यार, पीछे कुछ दिख नहीं रहा है भाई। स्कूटी धोखा दे दिया है रास्ते में, मुझे वैसे भी डाउट था। देखो इसका फ्यूल कितना कम है, इधर आओ, यहाँ देखो, देख चालू किया, अब देखो ये बढ़ ही नहीं रहा यार। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर सच में ख़त्म हो गया ना पेट्रोल, तो पेट्रोल पंप तक खींच के ले जाना पड़ेगा। तो अगर ख़त्म हुआ तो ठीक है, नहीं चल रहा है। बैठ 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 बैठ, चल रहा है, चल बैठ। पेट्रोल पंप तो पहुंच जाएगा तो काम हो जाएगा। धूल बहुत ज्यादा है, आज लगता है उसका बर्थडे नहीं बन पाएगा यार। मैं ना स्कूटी में 500 का ले रहा हूँ भाई, मुझे डाउट है कि कभी भी धोखा ना हो। अच्छा भैया, क्या रेट चल रहा है पेट्रोल का? 105 ना, वो गोवा में पेट्रोल का रेट है 97। तो मैं ना एकदम ऐसा पैसा बचाऊंगा नहीं भाई, पूरा पेट्रोल भरते हैं, क्योंकि अभी रास्ते में मेरे साथ धोखा हो सकता था, लेकिन धोखा होते होते बच गया। 450 का हुआ, ठीक है 450 ही छोड़ दीजिए। आ गया है, देखो सामने केक का शॉप हो रहा है राइट साइड। तो अभी ना हम केक, देखो केक स्टोर में पहुंच गए, और भैया ने फ़ोन कर दिया था अपने छोटे भाई को केक का जो है शॉप खुला रखने के लिए, तो भैया ने खुला रखा, और मैं ना यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये वाले जो भैया हैं ना, इनके बड़े भैया भी एकदम सेम दिखते हैं, और ये भैया भी ऐसे दिख रहे हैं, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ इनको, नहीं तो मैं तब से दोनों को एक ही समझ रहा था, धूम 3 समझ रहा था। तो अभी भैया केक निकाल रहे हैं, मैंने 2 केक लिया है, और साथ में ये टोपी, एक टोपी मैं भी पहनूंगा और एक टोपी उसको पहनाऊंगा। 2 टोपी यहाँ पे है, 2 केक देखो यहाँ पे है। अब जा रहे हैं सीधा घर भाई, वैसे स्कूटी से चला के ना घर जा पाना बहुत मुश्किल है, रास्ते में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी एडजस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। अभी देखो पेट्रोल फुल है, तो अभी खतरा नहीं है। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और ना केक छुपा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बर्थडे बॉय को केक के बारे में तो कुछ पता है नहीं। ठीक है, तो स्कूटी अभी आराम से रखेंगे, और केक भेजा के आराम से रख देंगे। यार ये लड़का यहीं पे है, केक कैसे लेके जाए अंदर समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मुंह धो लिए भाई, अब चलते हैं केक को फ्रिज में रखने के लिए। फ्रिज के अंदर देखो केक रख दिया मैंने, और देखो केक के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, उस पे भी लिखा हुआ है। थोड़ी देर में अभी 12 बजने वाला है, इसको भी मैंने उठा दिया है, बाकी भी लोग अंदर से आ रहे हैं। और भाई हम लोग ऑलमोस्ट सो चुके थे यार, मैं कभी जगा नहीं यार इतने लेट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहा तभी जगा, और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं जगा हुआ हूँ भाई। चलो अब चलते हैं, केक लेके आते हैं, उसमें कैंडल ठूसते हैं, और फिर हल्ला करते हैं। एक ये देखो केक है यहाँ पे, तो केक देख के खाने का मन कर रहा है यार।
जला के नहीं भाई, एक मिनट में बुझ जाएगा, ये ऐसे नहीं जलाना है, ये पूरा फूल खराब हो जाएगा यार। यार इतना सुंदर केक तो ये मेरे लिए कब। ये देखो मैं यहाँ पे कैंडल ठूस रहा हूँ, ठूस दिया मैंने, ज़्यादा ऐसे डीपली नहीं तो खराब हो जाएगा। देखो अपना पर चला गया पूरा, अपना प्रमोशन किया है। अबे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। ये लड़का चक्कू चक्कू यहाँ लगा के रखा था, उस चक्कू से केक कटता, उससे पहले मैंने इसको मुंह में। एक और चक्कू है झोले में रखा, लेके आओ। नींद में इसलिए धूप था क्योंकि पूरा दिन काम करता है, सच्चाई है ये। टोपी भूल गया, एक मुझे पहना, एक इसको पहना, इसको पहना, इसको पहले, इसको फिर बाद में मुझे। भाई शिवम को पुराना वाला पहना, नहीं मैं पुराना नहीं नया लेके आया हूँ। नहीं मुझे वो नहीं पहनना, नहीं मुझे वो नहीं पहनना यार, मैं नया लेके आया हूँ इसी के लिए। नहीं नहीं मैं नया लेके आया हूँ। ठीक है चलो। अबे टोपी पहले गिरा तो, पता नहीं चलेगा किसका बर्थडे है। ठीक है चलो, इसका बर्थडे है, ये पकड़ो इसके चक्कू, दीजिए इसको। चलिए काटिए। सबसे बड़े से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, असेंडिंग में खिला, कैसे डिसेंडिंग में खिला रहा है। हैप्पी बर्थडे, ये लो लो, तुमको खिला दे, आप इसको भी खिला दो, और हैप्पी बर्थडे भी बोल दो। अरे सोया था, छोड़ दे बेचारा, क्या सोया था, रात में, रात में पहले ही बोला था ये पैर छुएगा। नींद में तो खुजली नहीं किया था ना। बर्थडे केक है, बर्थडे होना चाहिए,
लगा हम लोग बहुत देर से हल्ला कर रहे हैं, इधर रूम किसका है भाई, सामने विंडो है दोनों खुला खुला, अब बहुत हल्ला नहीं। ये कौन खाएगा? इसमें से नाम लिखा हुआ, ये खाएगा। अपने नाम को खा जाओ अमन। अरे टोपी और इसका टी शर्ट मैच हो रहा है देखो। ओह वाओ अमन, क्या सरप्राइज है ये। सर यार क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट है, इसको हम बोलना है पर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। साला ये खराब माल है क्या? नहीं ये स्ट्रॉबेरी खराब है। सब बहुत बढ़िया है समझी, आप लोगों को मेरे जन्मदिन पे पागल हो ये जितना, उनको भी कहते हैं पांचों को, पब्लिक को पता है। हाँ तो पब्लिक को पता है तो क्या हम नहीं थे शामिल उसमें? इसमें शामिल थी कि नहीं? बस हम ही याद दिलाए थे इसको कि अमन का बर्थडे। नहीं, मुझे पहले भी कोई और दिला चुका था। कौन? किचन में आए थे तो हम तुमको बोले थे, उसको पहले मुझे पता था अमन का जन्मदिन है, उसके पहले मुझे पता चल चुका था। हमको तुमने क्यों नहीं बताया? दर टूटी बोली थी क्या? ठीक है, तुम किचन का मास्टर वैसे भी तुम ही है, ले चलो फ्रिज रखते हैं। एक एक जो है हम सब में अच्छे से बटा नहीं है, क्योंकि जो वक्त है इस वक्त पे सब लोग खाना खा के एकदम दूध दूध पी के पानी वानी पी के बैठे हुए थे। मैं तो सोने का सोच रही थी, तुम गिननी बोली कि नहीं। आओ आ गया, मैं आ जाओ, आओ आज पूरा टाइम आगे रहो जरा, आओ चलो, आओ तुम ही आगे हो। नहीं पीछे पीछे इसका अपना सेपरेट फ्रीजर है भाई। लड़के देखे रोला है भाई इसका। चलो फिलहाल अब चल रहे हैं भाई, केक वेक जो रख देते हैं, सुबह में अच्छे से हम लोग खाएंगे। भाई मेरे कमरे ज्यादा साफ, इसका चद्दर है भाई, इसका चद्दर कुछ ज्यादा साफ है नहीं, दोनों में फर्क है यार। यार चद्दर चोरी करना पड़ेगा। अब बकवास मत करो, मम्मी सो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है सबको। अभी चलो चलते हैं केक रखने के लिए, रखी देता अभी तो अच्छे से। अभी हादसा किए थे तुम ही पे। ला चाहिए दो। नहीं है ना, अच्छा नहीं है वो। नहीं फ्रेश नहीं है। चेरी मुझे पसंद नहीं है। गर्लफ्रेंड को खा लिया। नहीं चेरी अच्छा है, फ्रेश है, फ्रेश है। चेरी क्या हुआ है? गर्मी ठंडा जैसे फ्रिज में रखे। चेरी ऐसा ही होता है बेसावार। ऐसा ही होता है लेकिन ज्यादा पकम गया। तुमको कैसा लगा भाई? इधर आओ, बर्थडे बॉय से पूछते हैं कैसा लगा आपको। बहुत बहुत बढ़िया लगा चारों भैया। अच्छा इसका सपना था कि रेस्टोरेंट में जाएंगे ना? नहीं नहीं, बात ये है ना कि भैया और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस बेटा रूम पैसा मिलने बोलेंगे। पैसा नहीं, हम बोल रहे काहे कि घर में कभी जन्मदिन एक बार मनाए थे, फिर उसके बाद यहाँ मना रहे हैं। पूरे लाइफ में और पूरे लाइफ में और पूरे जीवन में जब से हम जन्म लिए। ये कौन सा साल है तुम्हारा? मेरा 20वां साल है, लगभग 20 साल का हो गया। अगले साल भी शादी है। मतलब चलो मुझे इस बात का सुकून है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर भी ये लड़के में ताकत रहेगी। लड़का हमारा बालिक हो चुका है, लड़की जो भी लाइन मारती है लाइन में लग सकती है। लड़का प्योर पंडित है, शाकाहारी। ये बीच में देखते हो कैसे टांग रखती है। शर्म करो, केक लेके बोल रहे हो। शादी उसको करना है, उससे पूछो। करना है उसको, कर रहा है, हमारे मर्जी से बहू लाने के लिए तैयार है। तुम्हारे मर्जी पड़ेगा, करेंगे तो दीदी के दोनों मर्जी से और आप दोनों की मर्जी। अरे यार मैं जा ही रहा था रास्ते में, पकड़ा गया मैं। लो चाहिए किसी को? चाहिए किसी को? लो खाओ, लाइट खराब हो गया कैमरे का। लो ये लो, किसी को चाहिए तो लो। तो हुआ क्या था ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका बर्थडे मैंने प्लान किया था ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे,
लेकिन ऐसे हड़बड़ी में ना सब कुछ भूल गए, और ये भी मैं भूल गया था, मुझे अचानक से याद आया। तो आप सबके सामने, आप लोगों ने देखा मैं भाग के गया था एकदम केक लाने के लिए, बड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो गया स्कूटी से जाने में, लेकिन फिर भी हो गया फाइनली। और अभी टाइम जो देखो क्या हो रहा है, अभी 12:13 हो रहा है और अभी काफ़ी ठीक सा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने बोला वो मैंने किया, और खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसा सुकून सा मिल रहा है। बाकी ये था हमारा आज का वीडियो, काफ़ी लेट हो चुका है, इतना लेट हम लोग जगते नहीं हैं, बाकी लोग जगते हैं, स्पेशली मैं नहीं जगता। और ऐसे ही ना, जैसे 12:15 था ना, तो मैंने कहा कि अब तो मेरे से नहीं होगा, अब तो सो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब जो बोला है वो कर ही देते हैं, तो किया। और अब चलते हैं भाई सोने, हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। लाइट भी देखो ऐसे ऐसे कम हो गया, बहुत कम हो गया, अभी थोड़ी देर में ये बुझ जाएगा, मैं गायब हो जाऊंगा, इससे पहले लाइट बुझ जाए मैं ही गायब हो जाता हूँ। आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, हमारा ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।